नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति जनरेटर पटियाला से जी। अब आज हम एक नई चीज लेके आएंगे, जो अपना गोबर था उसको एक नए रूप में चेंज करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, हमने डी वाटरिंग मशीन बनाई थी जो गोबर का पानी अलग कर देती है, चूरा अलग कर देती है। तो काफ़ी लोग बोलते थे कि हम इसको ड्राई पाउडर को क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। वो तो मैं आपको पता ही है, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है। पर आज मैं एक नई चीज़ करने वाला हूँ, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि हमने गोबर के ऊपर क्या रिसर्च की है, कि हम इसको एक बायोकोल के प्रोडक्ट में चेंज कर सकें। ये जो पाउडर निकल रहा है अपना इस मशीन में, ये पाउडर जो है, हम इस पाउडर को, एक ड्रायर है हमारा, अभी आपको एक ड्रायर दिखाया जाएगा, जिससे कि जो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर बच रहा है, जो 20-25% वाला मॉइस्चर है, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा बायोकोल में। बायोकोल में कैसे कन्वर्ट करूँगा, हमने एक मशीन बनाई है जिसको हम स्क्रू टाइप ब्रिकेटिंग मशीन बोलते हैं, और उसमें मैंने इस गोबर को ड्राई करने के बाद एक ब्रिकेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि सूखी निकलेगी। अभी तक तो गीली निकलती अपनी, अभी तक जो गोकाश मशीन होती थी उसमें काफ़ी लोगों को ये समस्या थी कि हमें तो माल जी सूखा चाहिए, हमें सुखाने का टाइम नहीं है। तो मैंने उसका एक छोटे रूप में एक उसका एक समाधान निकाला है। जो ये ड्राई माल है, मैं इसको एक ड्रायर में लेके जाऊंगा। अभी आपको एक ड्रायर दिखाऊंगा, जो इस माल को, मतलब 20-25% मॉइस्चर वाले माल को आधे घंटे से लेकर डेढ़ घंटे के बीच में सुखाएगा, और उसको हम, मतलब कि आगे ड्राई करने के बाद ब्रिकेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप ज़रूर चेक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ, ये डी वाटरिंग मशीन है, हमने गोबर उठा के हमने अपनी इस मशीन में डाला। ये आप देख पा रहे हो, ड्रायर है हमारा, इस मशीन में हमने डाला इसको, इस गोबर को हम डाल रहे हैं, जो डी वाटरिंग किया हमने गोबर, ये इसके अंदर जा रहा है, जो आप देख पा रहे हैं। ये हमारा ड्रायर है, ये ड्रायर में ये हमने छोटा सा मुँह बनाया हुआ है, ये आप देख पा रहे हो। और हमने यहाँ पे जो हमारा माल निकला था उसको भी जला सकते हो, और अपना कोई लकड़ी भी जला सकते हो, और आप कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसे जला सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ जलने वाली, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे आपका ये इसी से जो माल बना वो भी डाल सकते हो एज अ फ्यूल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप सिलेंडर भी लगा सकते हो इसमें, हीटर भी लगा सकते हो, सारी ऑप्शन हैं इसमें। 1 HP की मोटर से घूम रही है ड्रायर है हमारा, और माल बिल्कुल ड्राई होके ऐसा बन जाएगा, जैसे आप देख पाए, ड्राई होके बिल्कुल गोबर ऐसा बन जाएगा। आप देख रहे हो वो कितना डार्क है, और ये हमने बिल्कुल इसको ड्राई कर दिया, और इसको ऐसे मॉइस्चर मीटर में हम नापते हैं, 0% मॉइस्चर हो गया अब इसके अंदर। ये तो मॉइस्चर इसमें जनरली 20-25% रहता है, अब ये वाले में देख पा रहे हो आप, इसमें 21% मॉइस्चर है, गीला थोड़ा, ये बिल्कुल 0% हो गया है। एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा, ये हमारे ड्रायर का काम है। अब ये जब 0% में आ जाएगा या 8% पे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 8-12% तक मॉइस्चर चलेगा इसके अंदर। ये जब रहेगा इसके अंदर तो आपका ये काम बढ़िया करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इस मशीन में, अपनी ये मशीन में इसको डालेंगे। अभी मैं इसको चला के दिखाऊँगा, इसके देखो हीटर है इसके आगे, जो इस माल को आपस में जोड़ेंगे, ये ड्राई करेंगे इसको। ये मेरी मशीन है, आप देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार मशीन बनाई है, छोटी बनाई है, आम आदमी इसको लगा पाए अच्छे तरीके से और चला पाए। ये मशीन का थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर दूंगा मैं चलाने से पहले। इसमें 30 HP की मोटर है, और इसमें स्क्रू बैरल है, और ये डाई है जिसके ऊपर हीटर लगे हैं। ये स्क्रू आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रू है, और इसमें 30 HP की मोटर लगी हुई है अपनी, और ये बस इतनी सी मशीन है। ये इसमें हीटर कंट्रोलर सिस्टम लगे हैं, हीटर को कितनी हीट में रखना है, अभी जैसे 300 पे रखा हुआ है हमने, और ये सारा, ये इसका पैनल बॉक्स है, ये सारा मैं इसके साथ दूंगा। और डाई इसमें मैं दूंगा 50 mm की और 70 mm की, दो डाई दूंगा, 50 mm की भी बनेगी और 70 mm की भी बनेगी। और ये इंडिया की पहली मशीन है जिसमें ब्रिकेट में छेद होगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने बनाई हुई है लकड़ी के पाउडर से, आप देख पा रहे हो,
ये मैंने इसमें ट्रायल किया है, बिल्कुल अपने कोयले जैसा जलेगा। ये देखो माल यही जल रहा है इसके अंदर, बिल्कुल कोयले जैसा जल रहा है। रही बात, मैंने आपको एक और बात की थी पीछे कि अपना जो माल है ये एक से डेढ़ घंटा भी ले सकता है, आधे घंटे में भी सूख सकता है, वो डिपेंड करेगा अपने माल में कितना मॉइस्चर है, उस हिसाब से हमें इतनी देर ड्राई करना पड़ेगा। गोबर में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, गोबर में कम से कम भी 45 मिनट रखना पड़ेगा ड्रायर में, पर कोशिश करेंगे हम इसको भी थोड़ा फ्लो कम टाइम में कर सकें। हम डी वाटरिंग में कुछ चेंजेस करेंगे ताकि माल थोड़ा सूख के निकले। और इसमें आप अभी देख पा रहे हो, ये तो चलो अभी ट्रायल पर्पस है, अभी मैं जो माल जो मेरा निकला है अब मैं इसको आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि कैसा निकला है। यही माल को मैं यूज़ करूंगा इसके अंदर, अभी मैं वीडियो में चला के दिखाऊंगा मशीन को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने गोबर डाला, अब आप देख पा रहे हो ये गोबर का भी बना रहा है, बहुत बड़ी बात है, ये हमने गोबर का बना दिया है क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि गोबर का बन जाए। ये गोबर में थोड़ा सा मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से थोड़ा मशीन फड़फड़ा रही है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत बढ़िया देखो बना रहा है गोबर का, ये प्योर गोबर का है।